Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Economics. And today we are going to start the poverty, that is the chapter, that is the first chapter in unit second. So let's start today's topic with what is poverty. Poverty is the inability to fulfill the minimum requirements of a life. It means jab ek person apni life ki मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने में इनेबल होता है, उन्हें फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो पुअर है. उस स्टेज को हम पोवेरिटी कहते हैं. सो नाउ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ क्या हैं? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ मींस फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. जब कोई पर्सन के पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं ठीक ठाक पहनने के लिए, सही रहने के लिए घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, इट मींस वो पुअर है. ओके, सो आई होप कि पोवेरिटी का मीनिंग क्लियर है. पोवेरिटी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द पुअर. अब पुअर्स कौन होते हैं? तो पुअर्स जो होते हैं वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के थ्रू हमने उनको डिवाइड किया है. एंड इन रूरल एरियाज़ में पुअर कौन होता है? रूरल पुअर्स इंक्लूड लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स, मार्शनल होल्डर्स एंड टीनेंट्स. तो पुअर एरियाज़ में रूरल एरियाज़ में वो लोग पुअर होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, और वो जो दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं एग्रीकल्चर का, जिनके पास बहुत ही छोटी सी ज़मीन होती है और जो दूसरों के लिए काम करते हैं, तो रूरल एरियाज़ में जो है पुअर हो जाएंगे ये लोग. एंड इन अर्बन पुअर इंक्लूड माइग्रेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसिंग लार्जली एज स्ट्रीट वेंडर्स. मीन्स अर्बन पुअर्स वो पुअर्स होते हैं जो कि गाँवों से आ जाते हैं, रूरल एरियाज से शहरों में आ जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट की सर्च में. ओके, देन प्लस कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स एंड जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो छोटा मोटा क्या करते हैं, कार्ट लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, वो होते हैं अर्बन पुअर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अर्बन पोवेरिटी स्पिल ओवर ऑफ रूरल पोवेरिटी. मीन्स ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है और 1 मार्क में भी आ सकता है. कि अर्बन पोवेरिटी जो है वो स्पिल ओवर है रूरल पोवेरिटी की. अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है देन फर्स्ट आपको अर्बन पोवेरिटी और रूरल पोवेरिटी एक्सप्लेन करना है, देन ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन करना है. और अगर सिर्फ 1 मार्क्स में आता है देन आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है. सो पीपल टेंड टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब. लोग जो हैं वो गाँव से रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आते हैं इन सर्च ऑफ जॉब. बट नो फाइंडिंग जॉब बियॉन्ड सब्सटेंस. लेकिन उनको सब्सटेंस के लिए कोई जॉब नहीं मिलती है, देन वो क्या करते हैं, देन दे ओनली ऐड टू द परसेंटेज ऑफ BPL पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज. तो उनको वहाँ काम नहीं मिलता है, तो वो लोग जो कल तक रूरल एरियाज में पुअर थे, जो रूरल एरियाज में पुअर थे वो अब शहरों में आके पुअर बन गए हैं. फ़र्क इतना ही तो है. तो इसीलिए कहते हैं दैट्स व्हाई द अर्बन पोवेरिटी इज अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल पोवेरिटी. सी हियर आई यूज़ अ वर्ड हियर BPL. तो BPL को आगे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. BPL मीन्स बिलो पोवेरिटी लाइन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैटेगरीज ऑफ पोवेरिटी. पोवेरिटी की कैटेगरीज क्या हैं, पुअर्स की कैटेगरीज क्या हैं? सो वेरी फर्स्ट इज ऑलवेज पुअर. ऑलवेज पुअर मीन्स द पीपल हु आर born in poverty, live in poverty and die in poverty are always poor. Example, cobblers and rag pickers. Means वो लोग जो कि गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में जीते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं, हमेशा poor रहते हैं. They are considered and categorized in always poor. सेकेंड इज़ यूजुअल पुअर्स. यूजुअल पुअर्स मीन्स वो पुअर्स जो कि हमेशा पुअर रहते हैं, लेकिन कभी कभार उन्हें सही काम मिल जाता है तो वो पुअर नहीं रहते हैं. सो यूजुअली पुअर्स आर ऑल्सो बिलो पोवेरिटी लाइन बट आर ओकेजनली बेटर ऑफ देन दोज हु आर ऑलवेज पुअर. एग्जाम्पल हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. सो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन का काम मिल गया तो वो पुअर नहीं रहेंगे, अदरवाइज वो पुअर रहेंगे. नेक्स्ट थर्ड इज क्रॉनिकली पुअर्स. क्रॉनिकली पुअर्स आर दोज हु आर ऑलवेज पुअर्स ऑन
और आर यूजुअली पुअर्स मीन्स वो लोग जो कि या तो हमेशा पुअर्स रहते हैं या फिर कभी कभार पुअर नहीं रहते हैं, ऑलमोस्ट पुअर रहते हैं. सो क्रॉनिकल पुअर्स में हम ऐड कर देंगे किन को, ऑलवेज पुअर्स को प्लस यूजुअल पुअर्स को, तो हमारे क्रॉनिकल पुअर्स आ जाएंगे. और दोनों में एग्जाम्पल भी हम एक एग्जाम्पल दे देंगे ऑलवेज पुअर का, एक दे देंगे यूजुअल पुअर का. ओके, नेक्स्ट इज चर्निंग पुअर. चर्निंग पुअर आर ऑलवेज क्लोज टू द पोवेरिटी लाइन, समटाइम्स अ लिटल अबव एंड समटाइम्स अ लिटल बिलो. मीन्स वो पुअर्स जो कि हमेशा पोवेरिटी लाइन के पास रहते हैं, कभी उससे ऊपर रहते हैं, कभी उससे नीचे रहते हैं, ठीक है, उसके आसपास चिपके रहते हैं पोवेरिटी लाइन की, वो होते हैं चर्निंग पुअर्स. सो एग्जाम्पल हो जाएगा सीजनल वर्कर्स एंड स्मॉल फार्मर्स. नेक्स्ट इज occasionally poor. Occasionally poor means the people who are often above the poverty line but occasionally slip below the poverty line when misfortune hits them. Means वो लोग जो कि हमेशा poverty line से ऊपर ही रहते हैं, poverty line से हमेशा ऊपर ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है life में कुछ ऐसी conditions आ जाती है, कुछ ऐसी situations आ जाती है कि वो इस poverty line के नीचे आ जाते हैं. Example, people running small restaurants, dhabas had to shut down their business during lockdown. आपको पता है because of COVID-19 lockdown लगने की वजह से काम जो है लोगों के वो बंद करने पड़ रहे हैं. Okay, so जो road side जो dhabas होते हैं छोटे छोटे, वो जब close होते हैं तो वो लोग BPL में आ जाएंगे. मतलब जैसे जब ढाबाज ओपन होंगे तो ये लोग जो ढाबाज के जो ओनर्स हैं वो अबव दी पॉवर्टी लाइन होंगे, और जब ढाबा बंद हो गए हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन तो उनकी सेल नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से क्या होगा, वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे. नेक्स्ट इज ट्रांजिट पुअर्स. द पीपल हु आर ओकेजनली पुअर और चर्निंग पुअर आर ट्रांजिट पुअर्स. मीन्स कि जब की ट्रांजेंट पुअर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, ओकेजनल पुअर प्लस चर्निंग पुअर, दोनों को मिला दो ओकेजनल पुअर्स आ जाएंगे. ओके, सो आई होप कि जो ये कैटेगराइजेशन है वो क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पुअर एंड नॉन पुअर. पुअर मीन्स ऑल दोज हु आर ऑलवेज अबव द पॉवर्टी लाइन आर कंसिडर्ड एज नॉन पुअर. मीन्स वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से हमेशा ऊपर रहते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पुअर्स होते हैं, और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं वो पुअर्स हो जाते हैं. दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं. नॉन पुअर्स मीन्स जिनका फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है, ओके, जिनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, बट वो लोग जिनका जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, फिक्स्ड वर्क नहीं है, वो क्या होंगे, वो पुअर्स में आ जाएंगे. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सी, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी का यूज़ किया जाता है. रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस रीजन्स और कंट्रीज. मीन्स रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि हम दो लोगों में, दो कंट्रीज में, दो ग्रुप्स में, दो क्लास में कंपैरिजन करेंगे. फॉर एग्जांपल ये दो पर्सन हैं ए एंड बी. जो ए है वो क्या करता है, वो 10 rupees अर्न करता है, जबकि बी जो है वो 9 rupees अर्न करता है. सो यू कैन सी हियर कि इनकी जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, बट इन रिलेटिव पॉवर्टी हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो पुअर नहीं है और बी जो है वो पुअर है. हम कहेंगे बी पुअर है एज कम्पेयर टू ए. सो दिस इज रिलेटिव पॉवर्टी. एंड इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो पर्सन जिसकी इनकम जो है 7 rupees से ज़्यादा है वो क्या होगा, वो पुअर नहीं होगा. तो ऐसे में मैंने क्या की, एक लाइन सेट कर दी, एक बाउंड्री बना दी कि इस बाउंड्री को से जो नीचे है वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जो ऊपर है वो, जो इस बाउंड्री से नीचे है वो पुअर्स है, और जो इस बाउंड्री के ऊपर है वो पुअर्स नहीं है. सो दिस इज नॉन एज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सी, नोट्स से रीड करते हैं. एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन आर क्लासिफाइड एज absolute poor. In India, the concept of poverty line is used as the measuring of absolute poverty. India में absolute poverty के through क्या करते हैं, हम poors को identify करते हैं. means इसमें हम एक line draw करते हैं, और जो इस line से नीचे है वो क्या होगा, वो BPL होगा, और जो इस line के ऊपर है वो APL होगा. okay,
आई होप कि ये जो BPL और APL का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया है. ओके ओके सो अब हम आगे बढ़ते हैं विद पोवेरिटी लाइन एंड मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पोवेरिटी. अब हम बात करेंगे पोवेरिटी लाइन की. इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि पोवेरिटी लाइन क्या होती है, एब्सोल्यूट पोवेरिटी को कैसे मेजर करते हैं, सबसे पहले किसने पोवेरिटी लाइन बनाई थी, पोवेरिटी को मेजर किया था, और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन जो है वो बिलो दी पोवेरिटी लाइन है या फिर अबव दी पोवेरिटी लाइन है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. Absolute poverty is measured with reference to poverty line. The poverty line refers to a cut-off point which divides people on a region as poor and non-poor. Poverty line एक ऐसी लाइन है जो कि लोगों को poor और non-poors में classify कर देती है. Percentage of population below poverty line is called head count ratio or poverty incident ratio. See, one markers में ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ हेड काउंट रेशियो एंड व्हाट इज़ पोवेरिटी इन इंसिडेंट रेशियो. सो दैट टाइम योर आंसर शुड बी दैट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पोवेरिटी लाइन इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो और पोवेरिटी इंसिडेंट रेशियो. मीन्स वो परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का वो हिस्सा, वो परसेंटेज जो कि बिलो दी पोवेरिटी लाइन आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हेड काउंट रेशियो या पोवेरिटी इंसिडेंट रेशियो कहेंगे. सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी जो थे वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे पोवेरिटी लाइन का. और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जेल में रहने वाले जो प्रिजनर्स थे उनके उन पे रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमारी इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका वन थर्ड हिस्सा जो है वो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं. अब जो ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 1/6 हाफ हाफ कर दिया. हाफ बच्चे ऐसे जो कि कुछ भी नहीं खाते हैं और हाफ बच्चे ऐसे जो कि बहुत ही कम खाते हैं, ठीक है. और जो बच्चे, ये तो बच्चों की बात हो गई, अब जो एडल्ट्स हैं वो एडल्ट्स जो हैं वो 2/3 हैं इंडिया में. कैसे, क्योंकि अगर आप वन में से माइनस करते हो 1/3, हमने कहा कि टोटल पॉपुलेशन वन है और उसमें से 1/3 जो है वो क्या है, वो बच्चे हैं, वो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल चाइल्ड्स हैं. तो बच्चे क्या बचा, 2/3 हिस्सा. तो जो 2/3 हिस्सा है वो क्या है, एडल्ट है. ओके सो फिर उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई किया एंड द फॉर्मूला इज 1/6 इंटू नल डाइट जो नहीं खाते हैं उनको प्लस कर दिया, 1/6 ऑफ हाफ डाइट वो बच्चे जो थोड़ी सा खाते हैं, एंड 2/3 ऑफ फुल डाइट क्योंकि एडल्ट तो फुल डाइट लेगा, फिर इनको प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आया 3/4. उस टाइम दादा भाई नौरोजी ने बताया कि फिलहाल जो है इंडिया की पॉपुलेशन का 3/4 हिस्सा ऐसा है जो कि पुअर्स है, पुअर हैं. ओके सिंस द, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे अटैम्प्ट किए गए जिसमें हमने क्या किया, इंडिया में एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई ताकि हमें पता चले कि कौन पुअर है कौन नहीं है पुअर और कितने पुअर्स हैं इंडिया में. ओके सो इन 1962 प्लानिंग कमीशन जो है उसने एक स्टडी ग्रुप बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, इन 1979 एक टास्क फोर्स बनाई, एंड इन 1989 एंड 2005 गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपर्ट ग्रुप बनाया. सो ये एक्सपर्ट ग्रुप, टास्क फोर्स एंड स्टडी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर आ सकता है वन मार्कर्स में इंपॉर्टेंट है. ओके सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पोवेरिटी लाइन इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1979 विद सेट रूरल पोवेरिटी लाइन एट रुपीज 49.04 पर कैपिटा पर मंथ एंड अर्बन पोवेरिटी लाइन एट 56.64 पर कैपिटा पर मंथ. मीन्स इंडिया में जब पहली बार पोवेरिटी लाइन बनाई गई तो उसमें ये कहा, कब बनाई गई थी, 1979 में, और वहाँ पर उस टाइम कहा गया कि वो पर्सन जो कि एक रूरल एरिया में रहने वाला है वो अगर पर मंथ 49.04 रुपीस अर्न कर रहा है, इट मींस वो पुअर नहीं है, और जो अर्बन एरिया में रह रहा पर्सन है वो 56.64 रुपीस अगर अर्न कर रहा है एक मंथ के तो वो पुअर नहीं है. ओके यू कैन सी कि हमने हमेशा जब भी हम बात करेंगे पुअर्स की तो हम उसे क्लासिफाई करेंगे रूरल एंड अर्बन पुअर्स में. क्यों, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो पूरी किस में डिवाइड है, वो लोग या तो गांव में रहते हैं या फिर शहरों में रहते हैं, है ना. हमने ऊपर जब पढ़ा था हु आर पुअर्स उसमें भी हमने इन रूरल एंड अर्बन पढ़ा था, तो आपको याद रखना है.
ओके नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट तेंदुलकर कमिटी जो है उसने ये बताया कि इंडिया में अगर कोई पर्सन जैसे कि रूरल एरिया में रह रहा है तो अगर वो 816 रुपीज़ अर्न कर रहा है और अर्बन एरिया में रह रहते हुए 1000 रुपीज़ अर्न कर रहा है मिनिमम, इट मीन्स क्या हुआ कि वो पर्सन जो है वो पुअर नहीं होगा. ये एक सेट कर दिया. ओ वन सेकेंड, अर्निंग नहीं है ये, एक्सपेंडिचर गिवन है. ओके तो रूरल एरिया में रहने वाला पर्सन अगर 816 रुपये खर्च करता है एक मंथ में और अर्बन एरिया में रहने वाला पर्सन 1000 रुपीज़ खर्च कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, तो वो पुअर नहीं होगा. ओके तेंदुलकर कमिटी वो रिकॉग्नाइज एट एज पॉवर्टी लाइन इन इंडिया रुपीज़ 816 पर कैपिटा पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड रुपीज़ 1000 पर मंथ पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरियाज. ओके सो जो लोग इतना अर्न कर रहे हैं वो क्या है, वो पुअर नहीं है. एंड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज में भी हमने डिसाइड किया थी कि जो पर्सन रूरल एरिया में रह रहा है और 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है एक दिन की और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज एक दिन की कंज्यूम कर रहा है तो उसे हम पुअर पर्सन नहीं कहेंगे. नाउ ये डिफरेंस क्यों है, आपने देखा कि रूरल एरिया में रहने वाले पर्सन को एक दिन में 2400 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ रही है और अर्बन एरिया में रहने वाला पर्सन जो है वो 2100 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है तो भी वो पुअर नहीं है. वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं वो हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, मैन पावर वाला वर्क, लेबर वाला काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए अलग अलग कैलोरीज डिसाइड की गई हैं. और आपने अगर ऊपर देखा हो, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था आपको कि रूरल एरियाज में 816 रुपीज़ अर्न कर रहा है और अर्बन एरियाज में 1000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं देन वो पुअर नहीं होगा. ठीक है, क्यों यहाँ पर क्यों इतना डिफ्रेंसिएशन है, वो इसलिए है क्योंकि रूरल एरियाज़ में आपको काम के बदले खाना मिल जाता है. जैसे आपके यहाँ कोई वर्कर आया तो आपने क्या किया, अपने खेत में से काम करा, बदले में उसे थोड़ा अनाज दे दिया खाने के लिए. या फिर आप मान लीजिए आपके घर में छाय है, दूध है, दही है, वो आप किसी को अपने जो नेबर्स हैं उनको हम ईजिली दे देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रुपीज़ का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है. ओके नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन की लिमिटेशंस क्या है, भाई हमने सेट कर तो कर दी, भाई पूरी इंडियन पॉपुलेशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इज वन इज APL एंड सेकेंड इज BPL. तो ये जो पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, कैलोरीज हैं, एक्सपेंडिचर है, वो हम जो देख रहे हैं ये सब क्या है, इन सब में कुछ लिमिटेशंस हैं. और वो लिमिटेशंस क्या हैं, वेरी फर्स्ट इज नो डिफ्रेंसिएशन अमंग पुअर्स. हमने कह तो दिया कि भाई जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो पुअर है, लेकिन पुअर्स भी तो बहुत सारे हैं, क्रॉनिकल पुअर्स होते हैं, ऑलवेज पुअर्स होते हैं, अपॉर्चुनेट पुअर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेट पुअर्स होते हैं, है ना. तो जो भी हमने ऊपर कैटेगरीज पढ़ी, हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई नहीं किया. तो इस वजह से देखो, जो ऑलवेज पुअर हैं उनको ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्रॉनिक पुअर्स को कम हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चर्निंग पुअर्स को कम हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. सो अगर हम पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी कंट्री से, देन वी हैव टू क्लासीफाई द पॉवर्टी इन पुअर्स, क्योंकि अलग अलग तरह के पुअर्स को अलग अलग हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है. किसी को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, किसी को कम हेल्प की ज़रूरत है. ओके सो ये कमी है. सेकंड इज सोशल फैक्टर इग्नोर्स. हम यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कैलोरी और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, उन सबको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया कि भाई वो पर्सन पुअर है. आई नो हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि भाई जिस जो पर्सन है जिसे फूड नहीं मिल पा रहा है, हाउस नहीं मिल पा रहा है, क्लोथिंग फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, वो पुअर है. तो हमने यहाँ पर सिर्फ फूड की बात की है, लेकिन बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो तो हमने यूँ ही छोड़ दिए हैं, है ना. सो ये भी एक लिमिटेशन है हमारी पॉवर्टी लाइन की. नेक्स्ट इज ऑफिशियल डेटा सोर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. सी हम कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन से नीचे इतने पुअर्स हैं, आप अपनी बुक में भी देखोगे एक टेबल बनी हुई है जहाँ पर ईयर वाइज ये डिवाइड किया हुआ है, बताया हुआ है कि इस ईयर में, इस पर्टिकुलर ईयर में इतने सारे पुअर्स थे, इस पर्टिकुलर ईयर में इतने नंबर ऑफ पुअर्स थे. तो वो जो है वो कैसे होता है, कैसे हम उन्हें काउंट करते हैं, सो उसके पीछे बिहाइंड दिस वर्क यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है. सो एट प्रेजेंट द डेटा ऑन पॉवर्टी इज सोर्स्ड थ्रू नीति आयोग. सी नीति आयोग जो है वो क्या करता है,
पोवेरिटी का डेटा जो है वो सोर्स करता है, और उसे कलेक्ट करके कौन देता है, उसे कलेक्ट करके देता है नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस। मींस नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस जो है वो क्या करती है, घर घर जाके सर्वे करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया था ना 816 रुपीज़ एक्सपेंस कर रहा है, 1000 रुपीज़ एक्सपेंस कर रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं पर पर्सन का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद ये पता लगाते हैं कि वो पर्सन पुअर है या नहीं है। फिर ये जो डेटा है वो देते हैं किसे, नीति आयोग को। और नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंटरस्टेट कंपैरिजन। मींस हमने बात तो कर ली कि भी पोवेरिटी है, लेकिन हमारी जो इंडिया है वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं बहुत सारे, और अलग अलग स्टेट्स में पोवेरिटी जो है वो अलग अलग तरह से है। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है वो अलग अलग स्टेट में उनकी अलग अलग कंडीशन है। जो एमपी है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी जो है ये वाला जो हिस्सा है ये ज़्यादा पुअर्स है, और जो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल है वो वहाँ पर कम पुअर्स हैं। तो पॉवर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग अनईक्वली एंड अनईवनली है, मतलब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पुअर्स है, किसी एरिया में बहुत ही कम पुअर्स हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में कम पुअर्स क्यों, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन जो था उसका बेनिफिट बहुत अच्छा हुआ, लोग जो हैं वो खेती कर रहे थे बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, उनका प्रोडक्शन बढ़ा और अब जो है उनकी अर्निंग बढ़ गई है। लेकिन जो लोग बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ साइड रह रहे हैं वहाँ पर क्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो स्टेट्स जो हैं वो पुअर है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हम पढ़ रहे हैं अभी पॉवर्टी ऐसी होती है, ये होती है, वो होती है, क्यों होती है, लेकिन पॉवर्टी के रीजंस क्या हैं। द वेरी फर्स्ट रीज़न इज लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट है, जो हमारी GDP है, जो हमारी नेशनल इनकम है, वो बहुत ही कम है। सेकेंड, लो रेट ऑफ ग्रोथ, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम जितना ग्रोथ करते हैं उतने ही एज कम्पेयर टू जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी बढ़ जाती है। द थर्ड इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। अभी अभी मैंने आपको बताया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉवर्टी एलिवेशन जो प्रोग्राम है वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, हमारे इंडिया में जो लोग हैं, जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब उसके पास करने के लिए काम नहीं है, एंड अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है कि उसके पास उसकी कैपेसिटी से कम ज़्यादा काम है। मतलब वो आप ये मान के चलिए कि वो 5 काम कर सकता है लेकिन उसे करने के लिए सिर्फ 3 ही काम मिल रहे हैं, है ना। उसमें स्किल्स बहुत सारी है लेकिन वो उस स्किल का यूज़ नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल डेफिशिएंसी। इंडिया में कैपिटल की कमी है, कैपिटल की कमी है तो लोग अपना बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इंडिया के जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से अपनी हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं। द लास्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है, कमी है उसमें। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, वो सारी सर्विसेज, फैसिलिटीज़ जो कि हमें चाहिए होती हैं एक बिजनेस को, एक इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए। जैसे कि हमें अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, पावर चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए भी हम पुअर हैं, इसलिए भी इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सी दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, कि जो पॉवर्टी है उसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कहा जाता है। कैसे, पॉवर्टी इन इंडिया कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट टू मॉडरेट अन इनइक्वालिटी थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड अदर मेजर्स। मीन्स गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं उनसे पैसा ले लिया जाए थ्रू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कि एक लिमिट सेट की हुई है, वहाँ तक अगर जिसकी इनकम है उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन 100 रुपये कमा रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो 100 से ज़्यादा कमा रहा है, जैसे कि 101 से लेकर के 110 के बीच में अगर अर्न कर रहा है, तो उसे अपनी इनकम का 5% टैक्स देना होगा, और 101 से 120 के बीच में अर्न कर रहा है तो उसे अपनी इनकम का 10% टैक्स देना होगा। तो ये देखो, ये प्रोग्रेसिव है ना, तो इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन।
तो इंडिया ने क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू जो इनकम का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश की है. बट डिस्पाइट ऑल सच मेजर्स पोवेरिटी इन इंडिया हैज़ ओनली टेंड टू कंपाउंड ओवर टाइम. लेकिन इसके बाद भी जो पोवेरिटी है वो बढ़ती ही जा रही है. अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन 1536 कंपनीज इन दी कंट्री आर कंट्रोल्ड जस्ट बाय 75 फैमिलीज. मीन्स 1536 कंपनीज जो है उनके ऑनर जो है वो सिर्फ 75 फैमिलीज ही हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया में कुछ लोगों के पास तो क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ही कम पैसा है. ओके, सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स इनकम जो है वो इंडिया में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कुछ लोगों के पास बहुत सारी इनकम है और कुछ लोगों के पास इनकम है ही नहीं. नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग पोवेरिटी बट ऑल्सो पॉइंट्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ widening gulf between the rich and the poor in the near future. मतलब कि जो अनइक्वलिटी है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, उसकी वजह से ना सिर्फ हमारी जो पॉपुलेशन इंडिया में जो पोवेरिटी है उसकी साइज़ इंक्रीज हो रही है, बट उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो रिच और जो पुअर है उन दोनों के बीच में जो गल्फ है, जो खाई है, वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही है. उन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि रिच जो है वो और ज़्यादा रिच होता जा रहा है. क्यों रिच होता जा रहा है? क्योंकि उसके पास बहुत सारी वेल्थ है, इसलिए वो क्या करता है, वो उस वेल्थ को, बहुत सारे पैसे को दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करता है और उन पैसों से और ज़्यादा पैसे कमा लेता है. लेकिन जो पुअर है वो बेचारा पोवेरिटी से बाहर निकलने की स्ट्रगल ही करता रहता है. इसी वजह से पुअर जो है वो और पुअर होता जाता है और रिच अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके और ज़्यादा रिच होते जाते हैं. ओके, सो यहाँ तक हमने अपने इस चैप्टर का ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन हाफ जो पार्ट है वो कम्प्लीट कर लिया है. अब सिर्फ पोवेरिटी को की प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसका क्या अप्रोच है, वो अप्रोच जो है वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय.